तो बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा ऐसे सवाल करेंगे जो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे मिलते जुलते सवाल पूछे जाते हैं उनमें क्या क्या टर्म्स होते हैं जैसे लाइगेंड क्या है सेंट्रल मेटल एटम क्या है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है हालांकि नीट में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस कम है लाइगेंड उनकी डेंटिसिटी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सकता है आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की बहुत लिमिटेड केस है एनसीईआरटी में जैसे पढ़ने के लिए तो वरना बहुत सारे केस हैं बट बहुत लिमिटेड केस है स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे वीबीटी इस पूरे चैप्टर में वीबीटी ऐसा सेक्शन है जिससे सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के देन कलर के क्वेश्चन आते हैं जो डी एन एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों में आते हैं तो ये ध्यान रखना कि मोस्टली हम कहते हैं जितने भी डायमैग्नेटिक है कलरलेस है क्वेश्चन आएगा वैसे ही सॉल्व करेंगे कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जो तुम्हारे सामने लिखे हुए अब ये मत सोचना था कोई नया कंपाउंड आ गया तो हम क्या करेंगे बट इस बात का बहुत ध्यान रखना मेटल की तरफ से डोनेशन बढ़ता है मेटल कार्बन बॉन्ड मजबूत होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कमजोर होगा हेलो चैंपियंस क्या हाल चाल है आप सबके स्वागत है आपका इंफिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य पे तो बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा ऐसे सवाल करेंगे जो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे मिलते जुलते सवाल पूछे जाते हैं और ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो आज हम पंद्रह सवाल के आसपास करने वाले हैं उन सवालों में आपको नीट में 90 से 95 परसेंट चांसेस हैं कि वैसे ही सवाल या उससे मिलते जुलते सवाल ही मिलेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही क्यों भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही क्यों तो बच्चों ये जो इनऑर्गेनिक का ट्वेल्थ का चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आपका दिमाग खुलता है इससे समझ में आता है कि भाई इनऑर्गेनिक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं जैसा हमने कोटा फैक्ट्री में देखा है वैसा नहीं है इनऑर्गेनिक को भी समझा जा सकता है अब इस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं पहले हम उनको समराइज करते हैं इस चैप्टर में पहले आपको समझना है कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है राइट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और उनमें क्या क्या टर्म्स होते हैं जैसे लाइगेंड क्या है सेंट्रल मेटल एटम क्या है कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है हालांकि नीट में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस कम है लाइगेंड उनकी डेंटिसिटी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सकता है सेकेंड आप लोग को समझना होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आई यूपीएससी क्लेचर कैसे करते हैं नॉर्मन क्लेचर काफी हद तक ऑर्गेनिक से मिलता जुलता है नॉर्मन क्लीचर है ऐसा है कि अगर ऑप्शन दिखेगा तो पता चल जाता है कि हाँ ये सही है दो चार स्पेशल बातें ध्यान रखनी होती है जैसे अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो एट लग जाता है मेटल के नाम के एंड में के या न्यूट्रल में कुछ नहीं देन आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आते हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आती है स्ट्रक्चरल एंड स्पेशियल स्ट्रक्चरल में चार टाइप के हैं लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट राइट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एनसीईआरटी में बट बहुत लिमिटेड केस है प्लेनर के तो और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के तो वो लिमिटेड केस हमें समझ के रखने है. तो यहां आइसोमेरिज्म से ये सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन आते हैं बॉन्डिंग में बॉन्डिंग कैसे होती है तो बॉन्डिंग की तीन थ्योरीज हैं वर्नर्स थ्योरी तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहां पर वीबीटी इस पूरे चैप्टर में वीबीटी ऐसा सेक्शन है जिससे सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के पैरामैग्नेटिज्म आउटर ऑर्बिटल आई होप आप सब लोगों ने वीबीटी का लेक्चर देखा हो नहीं देखा है, तो उसको अभी देख लें आज ही देख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है मोस्टली नाइनटी फाइव परसेंट ऐसे कंपाउंड जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो पैरा मैग्नेटिक है कलर दिखाएंगे जो डाया मैग्नेटिक है वो कलर होंगे हमेशा नहीं लेकिन मोस्टली तो डी ब्लॉक में भी और यहां भी क्वेश्चन ऐसे ही होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन भी बीबीटी से सॉल्व किए जाते हैं तो ये ओवरऑल है और एक स्पेशल सेक्शन और है अबाउट मेटल कार्बन जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लाइगेंट मेटल पे अटैक करता है इसमें बैक बॉन्डिंग पढ़ी जाती है सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है सिंक्राइज बॉन्डिंग कि एक तरफ से भैया कार्बन हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ से मेटल भी हमला कर रहा है बराबर का दुश्मनी चल रही है तो वो वाली मेटल कार्बोनिल बहुत स्टेबल होते हैं इनके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ये यहां पे कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन सेक्शन अगर आप याद रखते हैं तो बढ़िया बात है आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाया मैग्नेटिक देखो कैसे समझते हैं ये ध्यान रखना है कि अगर कार्बन या नाइट्रोजन डोनर एटम है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होंगे बाकी डोनर एटम है तो वो वीक फील्ड होंगे एक अलग से बात है कि कॉबाल्ट के साथ अगर ऑक्सीजन डोनर है तो ऑक्सीजन डोनर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब या तो सी से सोचो या वीबीटी से सोचोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब जो जरूत होने पे, जरवत बात पे ध्यान दो जो जरवत होने पे, जरवत के अनुसार पेलिंग करा देगा जरवत होने पे जरूरत के अनुसार चलो दिखाते हैं सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर का नाम प्लस थ्री ऑक्सीट माइनस दो ये भी प्लस थ्री प्लस थ्री और ये भी प्लस थ्री आयरन प्लस थ्री कैसा होगा फोर एस टू तो दो इलेक्ट्रॉन चले गए फोर एस से और सिक्स थे डी में लेकिन थ्री प्लस है तो थ्री डी फाइव कोबाल्ट थ्री प्लस किसका होगा फोर एस जीरो हो गया और यहां भी डी में से एक इलेक्ट्रॉन चले गए तो सात में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया सिक्स इलेक्ट्रॉन बचते हैं अब क्वेश्चन पूछा है, है इनमें से कौन सा डाया मैग्नेटिक डाया मैग्नेटिक मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तुम्हें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा देखते हैं साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड ट कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉग फील्ड ये एनसीआर का एग्जाम्पल है अब तुम्हें तो लगेगा सर ये वाली बात कहीं नहीं लिखी लिखी एनसीआरटी में वीक फील्ड और फ्लोरिन तो देखो पेयरिंग नहीं कराने वाला वीक फील्ड तो पेयरिंग कराने वाला ही नहीं यानी इन दोनों केस में पांच और चार अनपेयर्ड हैं ये दोनों के दोनों पैरा मैग्नेटिक है तो धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है पूरी केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहला समझना है, सारे एलिमेंट्स का ये आता है से क्वेश्चन तो दो डी ऑर्बिटल बाइटल जरूरत अनुसार तो ये यहां चला जाएगा पेयरिंग के बाद ये यहां चला जाएगा एक अनपेयर्ड फिर भी बचेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हुए भी ये कैसा है पैरामैग्नेटिक यही बात समझनी होती है कि ऐसा कंपलसरी नहीं है स्ट्रॉन्ग फील्ड हमेशा डाया मैग्नेटिक बनाए स्ट्रॉन्ग फील्ड पैरा मैग्नेटिक बना सकता है ऑक्सिलेट ऑक्सीजन कोबाल्ट प्लस थ्री स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग कराएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया दोनों डी खाली हो गए सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो ये बन गया डाया मैग्नेटिक दोनों का हाइब्रिडाइजेशन इनर और है फिर भी ए वाला पैरा मैग्नेटिक है बी वाला डाया मैग्नेटिक है क्वेश्चन पूछा था कौन सा डायरा मैग्नेटिक है ऑप्शन बी हो गया सही आंसर तो ऐसे क्वेश्चन ये सारे नीट में आए हुए क्वेश्चन है ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन मिलने के चांसेस होंगे एक एक कॉम्प्लेक्स को हर बार एनालाइज करो जल्दबाजी में मत करो रटा रटाया काम मत करो एक एक कॉम्प्लेक्स को हमेशा एनालाइज करो अगला देखते हैं एफई एच टू वो होल फाइव एनओ एसओ फोर इज पैरा मैग्नेटिक फिर से वैसे ही असर्शन रीजन एफ टू वो होल फाइव एनओ एसओ फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब तुम सोचो सर ये कॉम्प्लेक्स कहां पे दिखता है ये कॉम्प्लेक्स दिखता है ब्राउन रिंग टेस्ट में कहां पे ब्राउन रिंग टेस्ट में क्यों ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो ब्राउन कलर आता है नाइट्रेट आयन का टेस्ट वो ब्राउन कलर आता है देखो ध्यान से वो ब्राउन कलर आता है एनओ NO की तरफ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से तो ये पी ब्लॉक की इंपॉर्टेंट बात है यहां पे लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ब्राउन कलर आता है एल एम सी टी लाइगन टू मेटल चार्ज ट्रांसफर यहां पे बहुत बार ऑक्सीडेशन नंबर पे भी सवाल पूछे जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालने को कहा जाए तो तुम कहोगे सर यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की प्लस टू है ना 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 यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की प्लस वन है क्योंकि एन NO से एक इलेक्ट्रॉन चला गया आयरन में ये एनो NO न्यूट्रल नहीं है एनो पॉजिटिवली चार्ज है आयरन प्लस वन अब हम सोच सकते हैं आयरन प्लस वन यानी फोर एस वन थ्री डी सिक्स फोर एस वन थ्री डी सिक्स लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए एस को खाली करना पड़ेगा नाइट्रोजन स्ट्रॉग लाइगेंट है वैसे भी वो खाली करवा देगा कभी भी एस को खाली किए बिना हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो यहां पे डी सेवन है सेवन इलेक्ट्रॉन है डी सब्शियल में राइट पेयरिंग कराने से भी फायदा नहीं होगा दो डी खाली नहीं मिलेगी तो पेयरिंग वैसे भी नहीं होगी यहां पे कितने अनपेयर दिख रहे हैं तीन अनपेयर अगर तुम यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर गलत निकालोगे तो तुम्हें चार अनपेयर्ड दिखेंगे या जीरो अनपेयर्ड दिखेंगे और तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा तो क्या ये बात सही है हाँ ये पैरा है क्यों है क्योंकि इसके पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्टेटमेंट वन भी सही है स्टेटमेंट टू भी सही है और स्टेटमेंट टू सही से एक्सप्लेन कर रहा है जब भी असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन हो हमेशा यहां पे बिकॉज वर्ड जोड़ लो अगर तुम्हें लगता है कि भाई बात बन गई तो सही है बात बन गई तो भाई बात बन गई नहीं बनी तो गलत है तो ये हमें यहां पे देखना था अगला क्वेश्चन समझते हैं दोनों के दोनों डाया मैग्नेटिक है दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताना है सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और देखो जैसा मैंने देखा है कोऑर्डिनेशन या नीट में जब भी क्वेश्चन आया है इन चैप्टर से कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया जो एनसीआरटी में ना लिखा हो तो कम से कम इस चैप्टर को जब पढ़ रहे हो एनसीआरटी के लिखे हुए हर एक एग्जाम्पल में हाइब्रिडाइजेशन एक बार खुद से फाइंड कर लो तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही होंगे एन आई जीरो प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर जीरो यानी कि फोर एस टू थ्री डी एट टू यानी कि फोर एस जीरो थ्री डी एट बिना एस को खाली किए हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है यहां धक्का दे देगा तो कभी भी अगर एस में इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसको डी में धक्का दे दो यहां पे एस तो पहले से खाली है आठ इलेक्ट्रॉन है स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करा देगा यहां पे डी में दस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पेयरिंग हो चाहे ना हो तो यहां पे डी खाली नहीं है तो पी यूज करनी पड़ेगी यहां पे डी खाली है तो हाइब्रिडाइजेशन डी एस पी टू ऑल दोनों डाया मैग्नेटिक है दोनों में कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिर भी एक का हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री है और दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन डी एस पी टू आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया है डी एस पी टू है ना इसका एस पी थ्री इसका डी एस पी टू ऑप्शन नंबर बी बैंगलोर हमारा सही जवाब आई बात समझ तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाया मैग्नेटिक के टू टू ओ सेवन भी है डाया मैग्नेटिक के टू फोर भी है और डाया मैग्नेटिक के एम एन ओ फोर भी है क्यों भला सही यहां पे ये यह प्लस सेवन है यहां पे ये यह प्लस सिक्स है यहां पे यह प्लस सिक्स है सबके सब खाली हैं क्रोमियम के पास छह इलेक्ट्रॉन छह के छह निकाल दिए एमएन के पास सात इलेक्ट्रॉन सात के साथ निकाल दिए इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं तो सब पेयर बचा होगा जो अंदर बचा होगा तो कुछ डाया मैग्नेटिक कल होते हैं वरना डाया मैग्नेटिक क्या होते हैं कलरलेस तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं डाया मैग्नेटिक के जो कलर है अब इनमें कलर आया क्यों किसी भी डाया मैग्नेटिक में डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा तो इनमें कलर आता है लाइगेन टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से जो पैरा मैग्नेटिक है उनमें कलर आता है डी डी ट्रांसलिशन की वजह से टी टू जी से ई जी से में ट्रांसफर होने से तो ये ध्यान रखना कि मोस्टली हम कहते हैं जितने भी डाया मैग्नेटिक है कलरलेस है क्वेश्चन आएगा वैसे ही सॉल्व करेंगे कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जो तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं अब यह मैं सोचना था कोई नया कंपाउंड आ गया तो हम क्या करेंगे बोल रहा हूं एनसीआरटी के एग्जाम्पल के बाहर कोई कंपाउंड आएगा ही नहीं तो कोई ऐसा नया कंपाउंड नहीं आएगा जिसके लिए तुमने ना पढ़ाओ जिसके लिए तुमने ना पढ़ाओ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन कॉपर सल्फेट फाइव टू कलरलेस है सॉरी ब्लू कलर्ड है ब्लू विट्रियोल नाम है इसका ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कलरलेस है व्हाइट कलर का है क्यू इसके लिए समझो कॉपर सल्फेट फाइव एच टू एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है चार वाटर मॉलिक्यूल एक तो यही क्वेश्चन आया हुआ है चार वाटर मॉलिक्यूल एज अ लाइग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे और एक वाटर मॉलिक्यूल एच बॉन्डेड है एक वाटर मॉलिक्यूल एच बॉन्डेड है तो वॉटर होगा तो यहां पर डी सब स्प्लिट हुई होगी टेट्राहेड्रल फील्ड है तो डी सब ईजी और टी टू में स्प्लिट हुई होगी तो यहां पर डी डी ट्रांसिशन हो सकता है पैरा मैग्नेटिक में डी नाइन है ना पैरा मैग्नेटिक में कलर आता है बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांसिशन बट एक बार वॉटर तुमने हटा दिया तो विदाउट लाइगेंट देयर विल बी नो स्प्लिटिंग लाइगेंट के बिना स्प्लिटिंग नहीं होगी और अगर स्प्लिटिंग नहीं होगी तो कलर नहीं आएगा तो क्या पता चलता है भाई ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वॉटर लाइग डीडी ट्रांजिशन आर नॉट पॉसिबल इन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दैट इज करेक्ट एनहाइड्रस में कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी कोई भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी जबकि हाइड्रेटेड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी d9 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जहां पे लोअर सबशेल से हायर सब्शेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसिशन हो सकता है समझ में आई बात क्लियर सबको बढ़िया चल अगले क्वेश्चन पे आते कैसा क्वेश्चन है मेटल कार्बोनिल का मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो एक बार ट्राई करें सब लोग जितने भी क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सकते हैं और हर क्वेश्चन को एक बार तुम खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन को ट्राई करो फिर समझो तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या बातें तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए होनी चाहिए हमेशा के लिए होनी चाहिए क्या कहा गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है मेटल कार्बोनिल की कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी देखो समझो मेटल कार्बोनिल में कार्बन डोनर एटम है कार्बन डोनर एटम होता है तो कार्बन अपने लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को ये बना पहला बॉन्ड ये बना पहला बॉन्ड और मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बैक डोनेट भी होते हैं ये बना दूसरा बॉन्ड ये बना दूसरा बॉन्ड तो यहां पे बैक बॉन्डिंग होती है इसी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग सिंकनाइज सिनर्जिक मतलब सिंकनाइज एनर्जी ये एक दूसरे की एनर्जी को सिंकनाइज कर रहे हैं एक दूसरे की एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड ए सिनर्जिक बॉन्डिंग जहां पे डी इलेक्ट्रॉन्स का बैक डोनेशन है एंटी बॉन्डिंग ल्यूमो पाइस्टार में ये सब बातें काम की हैं सब बातें पूछी जाती हैं तो इस वजह से यहां पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ये भी पूछा जाता है कौन सा कैरेक्टर आएगा पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा दूसरी बात कार्बन के एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच कार्बन पगला जाएगा पांच बॉन्ड में कार्बन सेकंड पीरियड का है सेकंड पीरियड का कोई भी एटम हो चार से ज्यादा और बाइटल ही नहीं है तो सेकेंड पीरियड का कोई भी एटम चार से ज्यादा बॉन्ड बनाता ही नहीं है चार से ज्यादा बॉन्ड बनाता ही नहीं है तो जैसे ही ध्यान से देखना दो बॉन्ड यहां पे, एक बॉन्ड यहां पे। जैसे ही मेटल बैक डोनेशन करके बॉन्ड बनाना शुरू करेगा कार्बन और ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा यानी जैसे जैसे ध्यान से समझो मेटल की तरफ से बैक डोनेशन पीछे के रास्ते से डोनेशन बढ़ेगा मेटल की तरफ से पीछे के रास्ते से डोनेशन बढ़ेगा कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा यानी कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड घटेगा कार्बन ऑक्सीजन में तीन बॉन्ड थे अब कितने रह जाएंगे टू पॉइंट समथिंग ढाई हो जाएंगे दो पॉइंट दो दो पॉइंट आठ कम हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी तो कभी वो तुमसे लेंथ पूछते हैं कभी वो तुमसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछते हैं अब इस क्वेश्चन को देखो अब इस क्वेश्चन को देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की गई कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन मेटल ऑक्सी कार्बन बढ़ेगा मेटल कार्बन स्ट्रांग होगा डोनेशन ज्यादा होगा तो मेटल कार्बन स्ट्रांग होगा कार्बन ऑक्सीजन वीक होगा देखते हैं एम एन प्लस क्रोमियम जीरो वेनेडियम माइनस मेटल कभी कभी माइनस में हो सकता है कौन सा मेटल आसानी से देगा कौन सा मेटल आसानी से देगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो चाहेगा नेगेटिव खत्म करना जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसका डोनेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए मेटल कार्बोनिल अगर तुम नोटिस करो तो ज्यादातर मेटल कार्बोनिल जीरो स्टेट में बनते हैं क्योंकि जैसे जैसे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बैक डोनेशन नहीं करना चाहेगा मेटल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है वो और कम नहीं करना चाहेगा तो नेगेटिव वाला सबसे ज्यादा देगा और जो ज्यादा देगा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो सबसे कम स्ट्रेंथ होगी वेनेडियम वाले की फॉलोड बाय क्रोमियम फॉलोड बाय मैग्नीज करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी एक बार तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन का आंसर निकालने में समय नहीं लगेगा बट इस बात का बहुत ध्यान रखना मेटल की तरफ से डोनेशन बढ़ता है मेटल कार्बन बॉन्ड मजबूत होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कमजोर होगा यहां पे दोस्ती बनेगी ये कार्बन वही मतलब ही काम कर रहा है एक तरफ से दोस्त मिल रहा है तो दूसरे पुराने दोस्त को भूल गया कार्बन यहां पे तुम लोगों के जैसे काम कर रहा है नया यार मिला पुराना यार बेचारा गाना गाने लगा है ना समझ में आई बात तो मेटल कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखी जाती है अब बेटा ये येला क्वेश्चन देखते हैं ये देखो नीट में आया है ऐसा क्वेश्चन भी वर्नर थ्योरी पर बेस्ड होता है हमें एजीसीएल है एजीसीएल के साथ इनको रिएक्ट कराएगा अगर दिया ना जाए क्वेश्चन में कभी भी तो सबसे पहले हम मानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स क्या मानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर उस कॉम्पाउंड की सिक्स मानते हैं अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में दूसरी बात अगर क्वेश्चन नहीं दिया है तो पहले जितने न्यूक्रल है उनको अंदर भेजेंगे तो पहला वाला हो जाएगा छे अमोनिया छे मिल गए अंदर तो सारे सीएल बाहर तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड वाले में देखो कितने अमोनिया अंदर गए पांच पांच अमोनिया अंदर गए तो एक सीएल और अंदर भेजना पहले अंदर छे कर लो तो बाहर कितने बचे दो सीएल तीसरे वाले में आ जाओ कितने अमोनिया अंदर गए चार सीएल दो भेजने पर अंदर बाहर कितना मिला सीएल एक सीएल तो हम पहले न्यूट्रल लाइगेंड को अंदर भेजेंगे फिर एनायन वाले को कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अब जब AgNO3 थ्री के साथ ट्रीट करेंगे सीएल देगा तो ये तीन AgCL का प्रेसिपिटेट देगा तीन सीएल ये दो सीएल इसके पास दो आयोनाइजेबल सीएल है और इसके पास एक ही आयोनाइजेबल सीएल है तो जो हमें रेशियो मिलेगा थ्री टू वन हमें जो रेशियो मिलेगा थ्री टू वन का मिलेगा तो ऐसे क्वेश्चन वर्नर थ्योरी पर बेच रहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स करनी है और पहले न्यूट्रल लाइगेंड को अंदर भेजना है ध्यान रखना ये वाला एम ए फोर बी टू ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाता है पूछ लेते हैं कभी कभी इसके दो फॉर्म बनेंगे एम ए फोर बी टू एक सिर्म दोनों क्लोरीन अगल बगल एक ट्रांसफॉर्म दोनों क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में सबके सब ऑक्टाहेड्रल सब, कॉम्प्लेक्स सबके सब ऑक्टाहेड्रल सब कॉम्प्लेक्स ओके यहां पे क्वेश्चन था ब्लैक हो गया मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्सिबिट आइसोमेरिज्म इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा देखो ए फोर सी टू एम ए फोर बी टू यह दिखाएगा सिस्ट्रांस दोनों बी अपोजिट या फिर दोनों बी नियर बाय हमेशा लाइगेंड को ए बी सी डी फॉर्मेट में लिख लो आसानी रहती है एम ए टू बी टू स्क्वायर प्लेनर एम ए टू बी टू स्क्वायर प्लेनर यह भी दिखाएगा सिस्ट्रांस दोनों ए आसपास या दोनों ए अपोजिट एम ए टू बी टू एम ए टू बी टू अब ये भी हमारा स्क्वायर प्लेनर है ये भी दिखाएगा सिस ट्रांस ये भी दिखाएगा सिस ट्रांस एम डबल ए होल साइज एम डबल ए होल साइज ये दिखाएगा एम डबल ए होल साइज ये दिखाएगा ऑप्टिकल आई थिंक द क्वेश्चन में थोड़ा हम है कौन सा यहां पे जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा कौन सा बच्चों यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा तो कौन सा नहीं दिखा पा रहा है एम ए टू बी टू ये भी दिखा रहा है ये भी दिखा रहा है ये भी दिखा रहा है ये ये भी ऑप्टिकल दिखा रहा है तो ज्योमेट्रिकल कौन सा नहीं दिखा पाएगा ऑप्शन डी जोमेट्रिकल कौन सा नहीं दिखा पाएगा ऑप्शन डी चल वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग टू पॉइंट एट टू बोल मैग्नेट्रॉन द करेक्ट वन इज इनमें से सही कौन सा है सबसे पहले मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं अगर एक्स तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बहुत काम की ट्रिक है ये अगर एक्स तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा एक्स पॉइंट समथिंग बोल मैग्नेट्रॉन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट एक्स पॉइंट समथिंग बोल मैग्नेट्रॉन होता है यानी अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 2.82 है तो इलेक्ट्रॉन दो होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन दो होने चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में डी फाइव पहले नीचे रहेंगे इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड डी थ्री किसी भी फील्ड में डी थ्री किसी भी फील्ड में सब नीचे ही रहेंगे डी फोर वीक फील्ड में D4 वीक फील्ड में D4 फोर स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्ट्रोंग फील्ड का मतलब पहले पेयरिंग फिर ऊपर तो हमें D4 फोर स्ट्रॉन्ग फील्ड में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए वही बन गया हमारा आंसर D4 फोर स्ट्रॉन्ग फील्ड में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले और वही क्या बन गया आंसर तो कभी भी स्ट्रांग फील्ड वीक फील्ड में कॉन्फिग्रेशन समझना हो स्ट्रॉन्ग फील्ड है गैप ज्यादा कर दो वीक फील्ड है गैप कम ज्यादा गैप है तो ऊपर बाद में जाएगा पहले नीचे रहेगा पेयरिंग करेगा नीचे कम गैप है तो ऊपर पहले जाएगा पेयरिंग बाद में करेगा तो इसमें पेयरिंग प्रिफर की जाती है इसमें पहले समय भरा जाता है फिर कॉन्फिगेशन में पेयरिंग करवाई जाती है तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं विच इज नॉट अ पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी से सोल्व क्या होता है पाई बॉन्ड भी न्यूक्लियोफिलिक होता है पाई बॉन्ड भी न्यूक्लियोफिलिक होता है तो अगर कोई पाई पाई बॉन्ड बॉन्ड डोनेट डोनेट हो हो जाए जाए कहीं पे तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स जहां पे लोन पेयर की जगह पाई बॉन्ड पेयर डोनेट होते हैं कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं लोन पेयर की जगह पाई बॉन्ड डोनेट होते हैं जहां पे लोन पेयर डोनेट हो दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स को कहते हैं सिग्मा डोनर ये पाई डोनर लाइगेंड इथाइलीन फेरोसिन यहां पे सारे एग्जाम्पल बहुत काम के हैं फेरोसिन आयरन होता है साइक्लोडाइपेंटाइल इनाइल एनाइन होता है और ये जो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डोनेट होता है फेरोसिन में सो फेरोन इज आल्सो अ पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स डाइबेन क्रोमियम सेम थिंग डाई बेनजीन क्रोमियम में बेनजीन रहते हैं दो और यहां भी बेनजीन का जो पाई क्लाउड है वो डोनेट होता है सो दैट इज अगेन अ बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स इथाइल लेड लेड का मतलब यहां पे इथाइल एनायन प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड एस एल विच इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑर्गेनो मेटेलिक मतलब ऑर्गेनिक कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्गेनिक कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड ओ एम सी सो दिस इज ओ एम सी ओ एम सी में कार्बन का निगेटिव लोन पेयर डोनेट हो रहा है दिस इज नॉट अ पाई बॉन्डेड दिस इज सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स इज सिग्मा बॉन्डेड इसका यूज भी है काम का इसको यूज करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट पेट्रोल में मिलाया जाता था पहले जब तक लेड पॉइजनिंग का आइडिया नहीं था पेट्रोल से जो साउंड आता है जो पेट्रोल के कंबशन से इंजन से नॉइज आती थी उसको नॉकिंग बोलते थे ये उस नॉइज को कम कर ये नॉकिंग की नॉइज को कम कर देता है तो लेड एक यूजफुल कंपाउंड हुआ करता था कब पास्ट में तो ये हमारे पास यहां पे पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स नहीं है पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ये अब तुम कहोगे सर ये एनसीआरटी में नहीं है है कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डायरेक्टली ना मिले तो ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं एनसीआरटी में मिलते हैं इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोम ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस वन तो ये बहुत स्पेशल केस होता है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में इसीलिए मैंने कहा अगर तुम्हें जोमेट्रिकल और ऑप्टिकल चाहिए तो हमेशा पहले ए बी सी डी फॉर्म में लिखो और एनसीआरटी में गिने चुने केसेस हैं वो याद रखने पड़ेंगे एम ए थ्री बी थ्री ऑक्टाहीड्रल दो पॉसिबिलिटीज अगर सारे लाइगेंड एक जैसे एक तरफ है तो इसको बोलते हैं फेशियल फैक क्योंकि सारे के सारे एक ही फेस पे आ जाएंगे अगर एक भी सेट ऑफ लाइगेंड अपोजिट है अपोजिट है तो इसको बोलते हैं मेरी डिओन तो यहां पे दो आइसोमेरिज्म मिलती है फैक और मैर फैक और मेर सो नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएंगे दो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे दो तो यहां पे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है एक फेशियल और एक मेरिडियोनल एक फेशियल और एक मेरिडियोनल तो ये कुछ स्पेशल केस आते हैं ज्योमेट्रिकल के जो आप सबको याद रखने याद रखना बहुत जरूरी इन केसेस को इन केसेस को याद रखना बहुत जरूरी अब बच्चों जाते जाते एक आसान सा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मिनिमम पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर मिनिमम पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट ध्यान रखना एक बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है तुमसे हालांकि यहां पे नहीं होगी सारे लाइगेंड वीक हैं कोई भी लाइगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा तो सीधे सीधे डी का कॉन्फिग्रेशन देख के पता चल जाएगा वरना मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर तुम ढूंढ रहे हो पैरा मैग्नेटिक के लिए तो ये जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा डाया मैग्नेटिक फिर हम ये थोड़ी बोलेंगे कि मिनिमम पैरा मैग्नेटिज्म मिल रहा है फिर तो हम ये बोलेंगे ना डाया मैग्नेटिज्म मिल रहा है समझो इस बात को अगर क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम है जीरो वाला केस लोगे जीरो वाला केस आ गया तो वो आंसर होगा ध्यान से सुनो इस बात को क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे कम है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आ गए वो आंसर हो, हो जाएगा अगर आ गया कोई ऐसा लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम पैरा मैग्नेटिज्म किसमें है तो डाया मैग्नेटिज्म इज नॉट पैरा मैग्नेटिज्म अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आ गए तो वो डाया मैग्नेटिक बन जाएगा फिर उसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें मिनिमम पैरा मैग्नेटिज्म है ये नहीं कहा जाएगा कि मिनिमम पैरा मैग्नेटिज्म है तो ये हुए बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के गिने चुने सेलेक्टिव क्योंकि नीट में क्या होता है बच्चों को समझ भी नहीं आता क्या पढ़े क्या छोड़ें तो ये गिने चुने सेलेक्टिव सेक्शन है जिन क्वेश्चंस को तुम्हें समझना अच्छे से और इन क्वेश्चन से जुड़े हुए टॉपिक्स को भी अच्छे से समझना है उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया हो वीबीटी सी एफ टी के लेक्चर्स हैं वो देख लो अगर नहीं देखें उनमें बहुत काम की बातें मिलेंगी तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में आप सबसे फिर से अगले सेशन में एक नया चैप्टर की टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिर उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जाएगा तो ऐसे हम चैप्टर वाइज नीट के सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं तो आई होप सबको समझ में आया हो जिनको अच्छा लगा हो सेशन को लाइक करो सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों का फायदा उठा पाए तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में तब तक पढ़ते रहो मस्त रहो हंसते रहो थैंक यू वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट